कारवां टीवी हर पल आपके साथ। आज हम यासीन नगर के मोहल्ला प्रकाश नगर में खड़े हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ी चोरी हुई है, जो यहां के नवाबगंज के मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के कमाल रिजवी, आज उनके आवास पर हम हैं और वहां पर सारा सामान चोरी हो गया है। परिवार की गैर मौजूदगी में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। आज हमारे साथ उनका परिवार बना हुआ है। कमल भाई की जो बेगम हैं वो हमारे साथ बनी हुई हैं, वो बताएंगी कि क्या क्या चोरी हुआ है और वो कहाँ गए हुए थे। जी, मैं अपने भाई के लड़के को देखने गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं परसों गई हुई थी वहाँ पर। मैं इनको बुलाया तो ये कहा कि मैं शाम में आ जाऊँगा, तो ये शाम में पहुँचे वहाँ पर, घर खाली हो गया था, इन्होंने लॉक करा बाहर से और ये चले गए सेतल। फिर सुबह में छोटे भाई आए इनके यहाँ, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि आपका ताला टूटा हुआ है। तो हमने कहा ताला कैसे टूट गया, तो हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा, हम दो दिन पहले के गए हुए थे। कहाँ गए ये कल सेतल। तो आपके हिसाब से क्या क्या निकला है यहाँ? दो सोने के सेट हैं, दो जोड़ झुमकी हैं, अंगूठी है, नथनी, टीका, चैन है सोने की, बड़ी चौड़ी पायल है दो जोड़, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ कैश वैश वगैरह? हाँ, 80,000 कैश था। 80,000 कैश। कितने सदस्य रहते हैं आपके परिवार? हमारे 6 लोग तो बड़े हैं, एक छोटा बच्चा है, 7 लोग हैं सब। सभी लोग सेंटल गए? नहीं, बड़ा बेटा मेरा दिल्ली गया हुआ है जॉब के लिए, उसको 5-6 दिन हो गए हुए, हम लोग पहले चले गए थे दो दिन पहले और ये कल गए थे। तो कितने बजे की ये घटना है? अब ये रात में नहीं पता कितने टाइम की है। अच्छा, हाँ, इस बारे में नहीं मालूम, अगर यहाँ कोई होता तो पता चलता कि कितने टाइम क्या है। तो आपको क्या लग रहा है, किसी पर कोई शक वगैरह है या कोई जांच करके किसी ने ये चोरी की है, पड़ताल करके चोरी की है, कैसा लग रहा है? मैं शक किसी पर नहीं लग रहा है, क्योंकि आज तक यहाँ पर 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सिलेंडर तो लोगों घरों से उठते रहे, लेकिन इतनी बड़ी चोरी नहीं हुई अभी तक। लगभग मिलाकर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कितनी चोरी हुई होगी, कितने पैसे की चोरी हुई होगी, कितना नकदी? करीब सोना मेरा करीब 9-10 तोले बैठेगा करीब, और कैश ही 80,000 रुपये बस। 80,000 चांदी वगैरह वो अलग। तो देख लिया आपने, यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हम नज़ारा दिखाएं तो आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है और क्या क्या चोरी हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामने अलमारी है और अलमारी में के जो बाहर जो पड़ा हुआ सामान है, पर्स है, ये देखिए, ये गहने का बॉक्स है और इस बॉक्स में गहने रखे हुए थे। ऐसे ही बॉक्स मैं आपको और दिखाऊंगा, ये देखिए पर्स है यहाँ पर पड़े हुए, ये पर्स में भी गहने आभूषण रखे हुए थे जो चोरी हो चुके हैं। और ये देखिए सारी डब्बियाँ जो हैं, ये सारे बॉक्स सब इसमें सब आभूषण भरे हुए थे जो चोरी हो चुके हैं। और इसमें से 80,000 रुपये का जो कैश था वो भी चोर निकाल कर ले गए हैं। परिवार इस समय बहुत गमजदा है। देखते रहिए कारवां टीवी, रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। जय हिंद। बेटा दिल्ली गया, एक बेटा दिल्ली है, हम अभी कुछ कर ही नहीं पाए, उसका ऑपरेशन हुआ, बच्चे को फिर हमने दिल्ली भेज दिया, हमने कभी नहीं की, वहां देखो तलाश करो। 30-35,000 40,000 रुपया हो गया। शुक्र उसको अच्छा। वो कह रही थी कि मैके जाने के लिए कई दिन से गई नहीं थी, उसको इनको जाना पड़ा साथ में, ये बेटी भी गई साथ में। मैं क्या नाम है उनके, कैसे के तो हमने कहा दवा वहां से चार महीने की दवा दी, चार महीने से दवा भी इनकी दिलवाई थी, कहा नहीं है दवा, और ही पेट में दर्द होता है। तो मैं फैसले की वजह से रुक गया, उनके फोन पे फोन आ रहा है, कभी मुनाजिर के, कभी उसके रोहित के। देखो सुन, जी तुम दोगे ना जी, तो मैं कानून की वही अपनाऊंगा जो कानून कहता है, उसके बाद समझौता लगाऊंगा।
कारवां टीवी हर पल आपके साथ।